दीपक बघेल जी के पास चलते हैं। दीपक बघेल जी, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होता और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं तो फिर से वही चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाएगी जैसे कि घोसी के उपचुनाव में खड़ी हुई थी। हुए तो ये माना जी 1 सितंबर को भी थे एक साथ में खड़े हुए, आपने देखा होगा मुंबई की बैठक में क्या हुआ। और कांग्रेस के जो नेतृत्व पर सवाल उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कर नहीं है, इनके जो गठबंधन के दल है वही इन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और उठाए भी क्यों ना, स्वाभाविक है। 2014 से लेकर 2023 तक अगर 60 विधानसभा चुनाव होते हैं तो 46 में तो ये हार जाते हैं। अगर 2011 से लेकर 23 तक की बात करें तो 12 साल के अंदर ये एक सरकार, एक सिंगल शॉट सरकार को भी रिपीट नहीं कर पाती। आंखें पर रेलने का काम कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? हम तो इनके विपक्ष हैं, हम तो करेंगे, परंतु इनके खुद के साथ ही फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, यही हाल रहा कांग्रेस पार्टी का, 2024 के चुनाव में जीतेगी, ये स्थिति है आज इनकी। जेडीयू के नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं इनके बारे में, कांग्रेस का गठबंधन से कोई सरोकार नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं इनके बारे में, वो कहते हैं कि कांग्रेस को अपने आदतें सुधार, अपना दूसरे दलों के नेताओं का अपमान करना बंद करना चाहिए। ये लोग हम कह रहे हैं क्या, आज ये कांग्रेस इस स्तर पर आके खड़ी है उसका कारण स्वयं खुद कांग्रेस है और कांग्रेस का नेतृत्व है। मुंबई के बाद जो बैठक हुई 1 सितंबर के बाद, आज आप बताइए, आज 17 होने को आ गई, आज तक इनकी कौन सी बैठक दोबारा हुई? आज तक इनकी बैठक दोबारा इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि इनका नेतृत्व और इनका जो गठबंधन और जो साथी के जो दल है जितने भी हैं वो सारे सारे आज समझ गए कि आज ये कांग्रेस से बीड़ा नहीं उठने वाला है। बहाना बड़े अच्छा देते हैं इनके साथी वाले लोग, ममता बनर्जी एमके स्टालिन की बात आए तो वो कहते कि साहब मौसम खराब है, 6 दिसंबर की इन्होंने जो बैठक रखी थी उसमें नहीं आ पाएंगे। ममता बनर्जी कहती है कि शादी में जरूरी है, बैठक से कोई सरोकार नहीं है। अगर देश की जो तथाकथित जो देश की बात कर रहे हैं घमंडिया गठबंधन वाले, तो उससे उनका कोई सरोकार नहीं है, पहले शादी पार्टी अटेंड करना जरूरी है जो भी उनका कार्यक्रम रहा। नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अखिलेश यादव जी तो खैर शतरुंग वाले देश से पढ़कर आए, उन्होंने तो शतरुंग वाला रवैया अख्तियार रखा, मुंह छुपा लीजिए जो होगा सो देखा जाए। तो जब इस स्थिति के साथ में आज कांग्रेस का नेतृत्व खुद के साथ आगे बढ़ रहा है तो आज प्रश्न चिन्ह तो इनसे खड़ा होना चाहिए ना कि जो बादल के शॉर्टकट तक ये राजनीति कब तक करेंगे, कब तक ये नकारात्मक रूप से राजनीति करेंगे। अरे विपक्ष में है, आप सकारात्मक रूप से भी राजनीति कर सकते थे, अगर हमारी कोई योजना अगर कहीं विफलता के तादाद पे है या उसमें कोई संशोधन होने की बात है ये बात कर सकते थे, परंतु नहीं, विपक्ष में है तो केवल विरोध करेंगे, विरोध के नाम पे विरोध करना। तथाकथित सेक्युलर बन के कब तक रहेंगे, जी जी खत्म हो जाएगा जी 10 सेकंड और, तथाकथित सेक्युलर बन के रहेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति करनी है और अगर दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी कर दे तो एक शब्द नहीं निकलेगा, वो उनके व्यक्तिगत विचार बता दिए जाएंगे। जब ये इसी प्रकार की राजनीति करेंगे, देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति करेंगे, कभी जातियों के नाम पर, कभी उत्तर और दक्षिण के नाम पर, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनको वोट देने वाली और इनका भला होने वाला। और देखिए 2024 का जब परिणाम आएगा तो नतीजे वही होंगे जिस प्रकार से 2019 के अंदर ये बुरी तरह से हारे थे और उससे ज्यादा भयंकर हार के साथ में ये हारने वाले।